إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. دنيا والم ما شاء الله سيئة हिसाब किताब कारोबार बिज़नेस करना कैलकुलेटर लेकर बहुत अच्छा समझदारी से बनाते हैं अपने मामला हम चाहते हैं कि वही कारोबार करते करते एक छोटा सा कैलकुलेशन कर ले इसमें आपका कुछ फ़ायदा और भला हो जाए कैलकुलेशन क्या है कि जब बच्चे कॉलेज में स्कूल में पढ़ते तो वो लोग आखिरी पासिंग मार्क में परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंट लाए और ये परसेंट को पहुंचने के लिए एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए सब्जेक्ट कितने टोटल है और फाइनल टोटल मार्क कितना था उस पर डिवाइड करें तो परसेंटेज दिया जाता एवरेज तो इसी तरीके से हम और आप थोड़ा सा एक हिसाब करेंगे और परसेंट निकालेंगे कई का परसेंट कई का हिसाब दुनिया आप जिसमें और हम जी रहे हैं और आखिरत जिसके तरफ आप और हम जाने वाले हैं क्या करना है दुनिया कंपेयर टू तो आखिरा पर्सन कितना है और वो पर्सन के हिसाब से आपका हमारा फ़ायदा कितना बन रहा है आप खुद रिजल्ट देखकर परेशान हो जाएंगे चले कैलकुलेशन शुरू करें हमेशा ये जो मार्क्स आते हैं टोटल ऊपर दिखते हैं फिर स्लैश आता है डिवाइड बाय द टोटल जितना भी रहता है तो एवरेज निकलता है आपको मैं ओपन स्लैश करके दे रहा हूँ ऊपर आप कितनी जिंदगी के साल जीना चाहते हैं हज़ार दस हज़ार एक लाख दो लाख बीस लाख साल जीना चाहते हैं उतनी उम्र लिख लीजिए स्लैश डालिए आखिरत की जिंदगी से हम कंपेयर कर रहे हैं आखिरत की जिंदगी इन्फिनिटी है यानी कि लामहदूद अनलिमिट फिर ऊपर के स्लैश में आपको कितनी दौलत चाहिए डॉलर्स में बिलियंस ऑफ बिलियंस लिख लीजिए कितना चाहते है? जो फिगर आपको समझ में आया फिर स्लैश के नीचे इन्फिनिटी कंपेयर टू तो आखिरा क्योंकि वहाँ अनलिमिट है पूरे साइंसदान मैथमेटिक्स के हिसाब करने वाले वो सब के सब मुतफ़ है इस बात पे कि एनी फिगर डिवाइड विद इन्फिनिटी परसेंटेज विल बी ज़ीरो कितना परसेंट जीरो निकलता है अगर आपको दुनिया में ही कोई शख्स आकर कह दे आओ भाई साहब आप एक 20 लाख लगाओ हम 20 लाख लगाएंगे हमको तीन साल के बाद जीरो मिलने वाला है यारो आप बोलेंगे दिमाग खराब हो गया यार मे का बीस लाख लगाओ तीन साल तक और फिर तीन साल के बाद मुझे जीरो मिलता है ये भी कोई कारोबार है जाहिल ये वैसा ही रिजेक्ट इमीडिएटली हो जाता है डील आज कितने ऐसे जाहिला हैं जो आज तक ये कैलकुलेशन और परसेंट नहीं निकाले हैं आखिरत का तो दुनिया के धोखे में आज जीरो के पीछे ही भाग रहे हैं अब होश कब आएगा ठिकाना कब लगेगा मरने के बाद होश आया तो क्या फायदा रिकवर कब करेंगे अभी से आप अपने आप को जगाइए और हिसाब करते हुए देखिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाए वल आखिरत तो व अबका आखिरत आपके लिए बेहतर है और हमेशा की बाकी है मगर दुनिया में आप आखिरत के पीछे नहीं भाग रहे दुनिया के पीछे ही भाग रहे कितनी परेशानी होंगी आपको तो यहाँ पर رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من رشاد فرماء ما الدنيا للآخرة دنيا compared to آخرة كتنية جانتها نبي صلى الله عليه وسلم فرماء إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع کہ تم میں سے کوئی جا کے بڑے سمندر میں اپنی انگلی ڈوبائے اور انگلی نکالے سمندر سے انگلی کو جتنا پانی لگا ہے یہ ساری دنیا کی ویلیو ہے

सारे सातों आसमान और सारे ज़मीन यानी कि प्लानट ये अल्लाह ताला के कुर्सी के मुकाबले सिवाय इतना साइज़ है जैसा कि आप एक रिंग एक अंगूठी डेजर्ट में सहरा में रेगिस्तान में जाकर डाल दीजिए आपको वो उंगली ढूंढने में भी नहीं मिलती है यानी कि ये उंगली रिंग जितना है इतना एरिया ये पूरा ज़मीन आसमान सातों आसमान सब इसको डेज़र्ट में डालेंगे तो डिजर्ट कितना कवर होता ल्ला। ये अल्लाह के कुर्सी के मुकाबले सारे जमीन आसमान सूरज वो कुर्सी अल्लाह के अरश के मुकाबले क्या फी फला जैसा कि अंगूठी डिजर्ट में डाले कुर्सी अर्श के मुकाबले उतना छोटा होता है अब सोचिए ये अर्श पे रहने वाला रब कितना बड़ा है और आपकी और हमारी कितनी बड़ी ज़रूरतमंदी है उसकी गुनाह करने में और उसकी सज़ा से नहीं डरने में तो फिर हमारी और आपकी गफलत तो कोताही कितनी हो रही है कहाँ तक पहुँचा रही है और हमारा घाटा नुकसान हो रहा है तो भी हम मस्त खुश और अपने आप को गाफ़िल बनाकर जीना कोई अक्लमंद ऐसा नहीं जी सकता ईमान वाला बेदार हो जाता है और अल्लाह ताली फरमाए सैद और मै आप याद दिलाइए जिसके दिल में अल्लाह की खशियत डर है उसको याद हो जाता है और अपना रिकलेक्शन करते हुए आखरत के तरफ अपना रुख करके कामयाबी लेता है अल्लाह सुाले से दुआ है कि रब्लमिन हमारी और आपकी दुनिया और आखरत को बेहतर और भलाई उसकी आता करे और अल्लाह ताली दुनिया के फितनों से और शर से महफूज रखे और आखरत की परेशानियों से महफूज रखे व सल्स मुबारक नबीन महमद वहीमजु